अब मैं एक जिक्र करके अपनी बात को पूरा समाप्त करूंगा। सामान्य तौर पर तीन कृषि सुधार कानूनों की बात इस समय ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रतिपक्ष के सभी मेंबर्स को भी। उन सब ने किसान आंदोलन पर भी चिंता की, किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आजाद साहब और आनंद भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी दो महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे वहां मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। और जब प्रतिपक्ष के मेंबर्स ने भी, दीपेंद्र भाई आपका भी भाषण मैंने सुना, तो मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा। सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें, लेकिन कानून के प्रावधान को ये किसान के प्रतिकूल है यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। मैं सर आपके सामने ही बैठा हुआ था, दूसरा, मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोगों ने ट्रेड एक्ट बनाया, ट्रेड एक्ट में ये प्रावधान किया कि एपीएमसी के बाहर जो एरिया होगा वो ट्रेड एरिया होगा, वो किसान का घर भी हो सकता है, वो किसान का वेयर हाउस भी हो सकता है, उसका खेत भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान के लिए किसी भी कीमत पर किसान वहाँ से अपने उत्पादन को बेच सकने के लिए स्वतंत्र है, ये हमारा एक्ट इजाजत देता है। एपीएमसी के बाहर अगर कोई ट्रेड होगा तो उस पर किसी भी प्रकार का ना तो राज्य का टैक्स लगेगा ना केंद्र का टैक्स लगेगा। अब एपीएमसी के भीतर राज्य सरकार का टैक्स है, एपीएमसी के बाहर केंद्र सरकार का एक्ट है, केंद्र सरकार का एक्ट टैक्स को खत्म करता है और राज्य सरकार का जो एक्ट है वो टैक्स देने के लिए बाध्य करता है। तो मैं आपके माध्यम से किसानों को भी पूछना चाहता हूं और विशेष रूप से पंजाब के किसानों को भी पूछना चाहता हूं, उनके यहाँ थोड़ी परिस्थितियां अलग हैं, आड़तिया का कमीशन अलग है, बाकी सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन हमने टैक्स को फ्री किया और राज्य सरकार टैक्स ले रही है, तो जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए? लेकिन देश में उल्टी गंगा बह रही है। और मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से किसान बंधुओं को भी कहना चाहता हूं और प्रतिपक्ष के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है, एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहाँ गलती है, विनम्रतापूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए
कि किसान कानून में कोई गलती है, लेकिन किसान आंदोलन पर है, पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार है लोग। एक ही राज्य का मसला है। सभापति महोदय, किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपके आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती।